तो आज हम बात करने वाले हैं डेक्सोना की, दैट इज डेक्सामेथासोन। और मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, तो उस टाइम मेरे पास प्रोटीन के ज्यादा सोर्सेज नहीं होते थे। प्री वर्कआउट में कुछ भी बनानास या एप्पल कुछ भी खा लियो, और आफ्टर वर्कआउट 3 to 4 eggs खा लियो। बाकी ओवरऑल डेली डाइट जो है वो घर के खाने से, जो भी घर में बनाया वो खा के पूरा करता था। तो फर्स्ट टाइम मेरे को जो डेक्सोना रेकमेंड किया था व्हेन आई वाज इन BSc फर्स्ट ईयर, तो उस टाइम मेरे को ये रेकमेंड किया गया था। और जिसने रेकमेंड किया था उसकी बॉडी भी काफी अच्छी थी, एंड उसने मेरे को रेकमेंड करा था एंड और बोला था कि आपका वेट बहुत जल्दी बढ़ेगा, मसल गेन होगा और काफी स्ट्रांग हो जाओगे आप। तो ये सब कुछ कहकर मेरे को रेकमेंड किया था। बट अपने को उस टाइम भी एक बात जरूर पता था कि कुछ भी अपनी बॉडी के अंदर डालने से पहले हम लोगों को उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी एंड मुझे पता लगा कि यार जो डेक्सोना है अदर मेडिकल पर्पसेस के लिए बनी है, और बॉडी बिल्डिंग में और मसल बिल्डिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो मैंने ली नहीं थी। तो क्या है रिलेशन बॉडी बिल्डिंग और डेक्सोना का और वेट गेन का डेक्सोना से, तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और फर्स्ट टाइम विजिट करा है चैनल पे तो यार सब्सक्राइब करो एंड वीडियो पूरी जरूर देखना, बेल आइकन दबा दो ताकि आपको वीडियो का अपडेट लगातार मिलता रहे। तो ये वीडियो हम लोग करते हैं अभी शुरू, एंड ये वीडियो सिर्फ एक नॉलेज पर्पस के लिए है, कोई भी चीज मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये सारी चीजें डेंजरस हैं और ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए। तो डेक्सोना एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड नहीं है, जो कि बॉडी बिल्डिंग में यूज होता है। तो जो बॉडी बिल्डर सिंथेटिक फॉर्म में अपनी बॉडी में स्टेरॉइड इंजेक्ट करते हैं वो वाला स्टेरॉइड नहीं है, एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। एंड इसकी जो वर्किंग है बिल्कुल ऑपोजिट है एनाबॉलिक स्टेरॉइड से, और ये आपके एड्रेनल ग्लैंड में बनता है, एड्रेनल ग्लैंड आपके किडनीज के ऊपर होता है। और तो कुछ डिसीजेस हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उनमें डेक्सोना प्रेस्क्राइब की जाती है डॉक्टर्स के थ्रू। और कंडीशंस हो गई जैसे कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गई, हो गए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो गए जिसमें आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर एक्टिव हो गया, तो उस कंडीशन में प्रेस्क्राइब किया जाता है। और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें कि डेक्सोना प्रेस्क्राइब किया जाता है, चाहे वो कोई जॉइंट डिसऑर्डर हो या स्पाइन में प्रॉब्लम हो, ट्रॉमा हो, कैंसर हो, या इवन के कोरोना की बीमारी में भी इसको यूज किया गया है। तो ये मेडिसिन अदर पर्पसेस के लिए बनाई गई है, अदर डिसीजेस के डायग्नोसिस के लिए बनी गई है। और जो आपको ट्रेनर्स या कोई भी रैंडम गाय जो आपको रेकमेंड करता है डेक्सोना से, जो क्लेम करता है स्पेशली जो स्किनी है उनको रेकमेंड किया जाता है कि दैट यू विल गेन वेट एंड मसल्स और स्ट्रांग हो जाओगे आप और बहुत जल्दी वेट बढ़ेगा। तो यस, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपका वेट गेन जरूर हो जाएगा, बट आपका एपिटाइट बढ़ जाएगा एंड आपकी बॉडी में वाटर होल्ड भी हो जाएगा। तो यस, आपका वेट जरूर बढ़ेगा, बट जब आप छोड़ दोगे, आप डेक्सोना लेना छोड़ दोगे आफ्टर 1 month या 45 days, तो जो आपका पहले वेट था वो भी नहीं रहेगा, उससे भी ज्यादा गिर जाएगा एंड एपेटाइट खत्म हो जाएगा, आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, वॉमिटिंग जैसा फील होगा। तो ये अगर आपको साइड इफेक्ट्स, और भी कई साइड इफेक्ट्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं अगर आप डेक्सोना का यूज कर रहे हो। तो यार ये डेक्सोना वगैरह जो भी है इसका बॉडी बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं है, ना आप वेट गेन से लेना देना है, ये अदर पर्पसेस के लिए, डिसीजेस के लिए, मेडिकल यूज के लिए बनी हुई है। तो इन सब चीजों को आपको यूज नहीं करना है वेट गेन करने के लिए, मसल बिल्ड करने के लिए। स्किनी लोगों के लिए प्रोसेस थोड़ा लंबा जरूर होता है मसल गेनिंग का, वेट गेनिंग का, बट आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है और कैलोरी सरप्लस में रहना है, वर्कआउट अच्छा करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छी करनी है आपको, अपनी ओवरऑल डेली एक्टिविटी में कंपाउंड्स मूवमेंट जो आप फिजिकल एक्टिविटी जिम में करते हो उसमें कंपाउंड मूवमेंट ज्यादा रखनी है, डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, बेंच प्रेसेस वगैरह, और अच्छी फॉर्म अच्छी टेक्निक के साथ लगाना है, और आपका वेट गेन हो जाएगा जैसे जैसे आप कैलरीज अपनी डेली बढ़ाते रहोगे। और ये जो डेक्सोना है इसको भी डॉक्टर्स भी इसको बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही रेकमेंड करते हैं, और जहां तक हो सके अगर इसकी जरूरत ना हो तो वो रेकमेंड नहीं करते हैं, और करते भी हैं किसी कंडीशन में तो बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको साइड इफेक्ट्स काफी सीवियर फेस करने पड़ते हैं। तो ये कुछ बातें थी डेक्सोना को लेकर जो मैंने सोचा शायद मेरे को शेयर करनी चाहिए आपके साथ। और कोई भी आपको रेकमेंड करता है तो दूर रहो यार इन सब चीजों से, सिर्फ प्रोसेस पे फोकस करो और कैलरी सरप्लस पे रहो, स्पेशली यार स्किनी लोगों को ज्यादा नई नई चीजें जाननी होती हैं, गेनर कौन से नए जल्दी जल्दी करना है, तो यार जल्दीबाजी वाला कोई काम नहीं होता है फिटनेस में या जिमिंग में, टाइम लगता है, चीजें टाइम मांगती हैं, और टाइम दो, पेशेंस रखो, आपका वेट गेन जरूर होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो यार लाइक जरूर कर देना, बहुत जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।